तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई रोनिन ने थैनोस को धोखा दे दिया और उसे जान से मार दिया है। पर उसके बाद नोवा प्राइम आती है और नेब्यूला की जान बचा लेती है और नेब्यूला ज्वाइन कर लेती है नोवा कॉप्स को। रोनिन के कहर से पूरे ज़ांडार के वासियों को बचाने के लिए वहां पे एक बहुत बड़ी शील्ड लगाई जाती है और उसे पूरे यूनिवर्स से अलग कर दिया जाता है। एक तरीके से वहां पर लॉकडाउन लगाई जा सकता है लगाया गया एंड यस उस जगह पे आप कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके बाद एक दिन योंडो की डेथ हो जाती है एंड यस उसके मर्डर केस को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है नेब्यूला को। जिसके बाद जब नेब्यूला उसके केस को इन्वेस्ट कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि भाई ये अपने योंडो ने ऐसी जान नहीं गंवाई है, उसने शील्ड के कोड मतलब जिस शील्ड से पूरे ज़ांडार ग्रह को बचाया गया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई है। जिसके बाद वो जाती है इसकी जानकारी लेने के लिए एक क्लब में जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कैमियोज दिखाए जाते हैं, बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, नए नए मतलब पुराने पुराने कैरेक्टर्स नए अवतार में। जिसके बाद नेब्यूला पहुँचती है क्लब के मालिक हॉवर्ड द डक के पास, जिससे काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद वो ऐसी बता देता है, वो नहीं बताता उसका साथ वाला दोस्त कॉर्ग जो होता है, कॉर्ग है ना उसका नाम, हाँ वही बता देता है हैदराबादी भाई शील्ड के कोड्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है एक अंडरग्राउंड अंडर वाटर पानी के फैसिलिटी के अंदर। जिसके बाद हमारी नेब्यूला जाती है कैप्टन मार्वल वन के विलन इस वाले विलन के साथ जहां पे वो जाती है उसके साथ एंड यस अंदर पहुंच के वो लोग ऐसे रेनबो वाले स्लाइड से मतलब इस चीज से स्लाइड करते हैं। जिसके बाद वो नीचे पहुंच के डेटा निकालने लग जाती है, शील्ड के कोर्स चुराने लग जाती है। जिसके बाद वो चुरा रही होती है तो भाई एज यू नो ये बंदा विलन था पिछले मतलब ओरिजिनली, तो भाई यहाँ पे भी विलेन होता है वो उसको धोखा दे देता है। जिसके बाद नेब्यूला को मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद नेब्यूला बड़ी ब्रूटल तरीके से ऊपर आती है, बहुत ब्रूटली उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि हमें तो ये हमारी नोवा क्या था इसका नाम नोवा प्राइम है वो मिली हुई है इस विलन के साथ एंड वो भी मिला हुआ है रोनिन के साथ में, ताकि वो चाहते हैं कि भाई वो शील्ड खोल दें एंड यस रोनिन आगे कब्जा कर ले। जिसके बाद एक बहुत खतरनाक शॉट होता है, हमारी नेब्यूला को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। जिसके बाद वो अधमरी हालत में उस पे से झरने पे से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद जब वो पहुंचती है बहते बहते तो हॉवर्ड द डक उसे फिर से उठा लेता है, बोलता है चलो इसका इलाज करते हैं, वो उसकी सर्जरी कराते हैं एंड देन फिर से वो एक गार्डन्स की टीम बनाते हैं एंड जाके लड़ाई करने लग जाते हैं एंड काफ़ी से बैटल लड़ने के बाद नेब्यूला बचा लेती है अपने ग्रह को। मतलब इतनी इजीली नहीं, नोवा प्राइम खोल देती है गेट। जिसके बाद जब वो गेट पूरा खुल जाता है तो नोवा मतलब क्या नाम है नेब्यूला अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड गेट को बंद कर देती है, जिससे नोवा की मतलब नोवा क्या है भाई रोनिन की शिप जब आ रही होती है भाई रोनिन की शिप बीच में फंस जाती है एंड यस दब के ब्लास्ट हो जाती है एंड हमारी नोवा नेब्यूला बचा लेती है पूरी ग्रह को एंड बन जाती है सबसे खतरनाक गार्डियंस की रखवाली, क्योंकि उसके पास है नेब्यूला की पावर, साथ में उसके पास है योंडो की भी पावर और वो है एक नोवा, तो भाई है वो पावरफुल एंड यस नोवा प्राइम भी मर जाती है, वो गिर जाती है ऊपर से नीचे और यस वो मर जाती है। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है एंड यस तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। तो ये था व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 इन एंड शेयर एंड यस अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 10 के लाइक्स तो हम लाएंगे एपिसोड 2 इन सेम फॉर्मेट मतलब सेम नटशेल में 2 मिनट के अंदर। तब तक तुम आउट्रो का मजा इंट्रो में लो, मतलब इंट्रो का मजा आउट्रो में लो और हाँ सब्सक्राइब का बटन दबा देना दबा देना दबा देना।